हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने सेवई तो कभी ना कभी जरूर खाई होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि धागे से भी पतला रेशेदार और लच्छेदार सेवई को आखिर बनाया कैसे जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सेवई मैदे से बना होता है, इसीलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैदे कैसे तैयार होता है। दोस्तों, गेहूं से मैदा बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे क्वालिटी वाले गेहूं को पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। पीलिंग मशीन गेहूं के ऊपरी कवर यानी कि छिलके को निकाल कर बाहर कर देती है, जिससे गेहूं बिल्कुल सफेद रंग का हो जाता है। अब दूसरी मशीन में इन सफेद गेहूं को डालकर बारीक टुकड़ों में क्रश कर लिया जाता है, जिससे सूजी बनके तैयार हो जाता है। यानी कि गेहूं से मैदा बनाने के क्रम में सूजी भी प्राप्त होता है। उसके बाद सूजी को चक्की में पीसकर मैदा तैयार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि मैदा कैसे बनाया जाता है, लेकिन जानते हैं कि इसी मैदे से सेवई को कैसे बनाया जाता है। तो सेवई बनाने के लिए सबसे बड़े क्वांटिटी में मैदे को गूंदा जाता है। ज्यादा मात्रा में मैदा होने के कारण गूंदने का काम 3 से 4 वर्कर मिलकर करते हैं, और कहीं कहीं पर गूंदने का काम हाथ के बजाय पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत में पैरों से गूंदने का काम धीरे धीरे बंद होने लगा है, और लगातार 3 से 4 घंटे तक गूंदने के बाद मैदे का सारा चिपचिपापन खत्म हो जाता है। तब कारीगर इससे बड़ी ही तेजी से कई बार लपेटते हैं। ऐसा करने से गूंदा हुआ मैदा धीरे धीरे पतले रेशे का रूप लेने लगता है, और देखते ही देखते यह एक मकड़ी के जाले जैसा बनके तैयार हो जाता है। फिर इसे धूप में सूखने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं, जिसके बाद इसे लपेट कर लच्छेदार आकार दे दिया जाता है। लेकिन अभी भी सेवई बिल्कुल कच्चा होता है, इसीलिए अब इनको गर्म तेलों में छाका जाता है, जिसके बाद तैयार हो जाता है आपका सेवई, जिसे आप मार्केट में बड़ी ही आसानी से किलो के भाव में खरीद कर खा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, आपके वहाँ सेवई कैसे बिकता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को टाटा बाय बाय करते हैं।